माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लेक्चर टू में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस कि व्हाट इज द सम ऑफ द आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ए माइनस लैम्डा आई करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देती है, मैंने कुछ टर्म लिखी हैं, इस पॉलिनोमियल की तीन जो टर्म हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये जो पॉलिनोमियल बनेगी इस डिटरमिनेंट से उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री एन होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ लैम्डा रेज टू पावर एन इन पॉलिनोमियल ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल नहीं, ये वाली चीज, इसमें लैम्डा है, इसमें लैम्डा है और इसमें लैम्डा है, तो इधर जो बचेंगी, इधर बचेंगी, उसमें किसी में लैम्डा नहीं। यदि हमें n डिग्री कोफिशियंट लेनी है, यानी कि लैम्डा की पावर n का कोफिशियंट लेना, तो वो तभी आएगा जब ये और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि जो लैम्डा की पावर n का कोफिशियंट आएगा वो केवल इस टर्म से आएगा। बच्चों, वैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है उसमें टोटल टर्म में n फैक्टोरियल होती है, बट उसमें से केवल एक ही टर्म ये है जिस जो टर्म आपको क्या बना के देगी, कोफिशियंट बना के देगी लैम्डा की पावर एन। और कितना बना के देगी, यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां से माइनस, तो माइनस वन रेज टू द पावर एन। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर एन माइनस वन इन पॉलिनोमियल ऑफ ए माइनस लैम्डा। देखिए, यदि हम इस लाइन से डिटरमिनेंट खोलते हैं एक मिनट के लिए, तो जो ये टर्म होगी, जब इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जब इसके साथ जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे उस वो ये लाइन भी छोड़ के आएगा और ये भी छोड़ के आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी छोड़ के आएगा और ये भी छोड़ के आएगा। तो उसके अंदर जो लैम्डा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी वो दो नहीं आएंगी, ये कितनी आएंगी, मैक्सिमम जो फैक्टर बनेंगे जो लैम्डा वाले मल्टीप्लाई होंगे वो हो सकते हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एन माइनस टू। तो ये बात हमें ये बताती है कि यदि हम, मैंने क्या कहा है कि इस टर्म को नहीं लेते, यानी कि हमें इससे डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, एक तो टर्म ऐसी आएगी जिसमें इसके साथ हम कोफिशिएंट निकालेंगे, उसको मैंने छोड़ दिया एक मिनट के लिए, आई हैव टू, दो मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि इससे निकालेंगे तो नहीं आएगा, 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 यानी कि इस रो के अंदर यदि एक्सपेंशन करते हैं तो n लैम्डा की पावर n माइनस वन वाला जो कोफिशिएंट आएगा वो केवल इसके एक्सपेंशन से आएगा, यानी कि इसका जो कोफैक्टर होगा, दिस एन टू कोफैक्टर भी किसका, इसी शब्द। ओके, अच्छा, इसके अंदर डिग्री कितनी आई है, एक। इधर कोफैक्टर में हमें कितनी चाहिएगी, हमें एन माइनस वन बनाना है तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें डिग्री कितनी बने, एन माइनस टू बने। ओके, एक मिनट के लिए हम इसका कोफैक्टर हमने ये छोड़ दिया। अब ये जो बचेगा, ये बचेगा एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन। सेम जैसे ऊपर मैंने बात कही थी, बड़े ध्यान सुनो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, यहां मैंने बात क्या कही थी, एन माइनस वन का फैक्टर लाने के लिए यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, केवल इससे आएगा। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन था, फिर सुनो, यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एन, डिटरमिनेंट का ऑर्डर एन क्रॉस एन था, तो एन माइनस वन की डिग्री लाने के लिए, कोफिशियंट लाने के लिए इसके साथ को फैक्टर गुणा करना पड़ा। सिमिलरली जब ये एन माइनस वन की आ जाएगी,
अब हमें चाहिए n माइनस टू, तो भी हमें इससे लेना पड़ेगा, यानी कि ऐसे चलते चलते केवल इसी टर्म, जो ये टर्म आएगी ना, ये जो प्रोडक्ट आएगी, इसी प्रोडक्ट में से ही लैम्डा की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट निकल सकता है। अभी तक तो हमने ये कहा केवल इस प्रोडक्ट में से ही लैम्डा की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट निकल सकता है। अब क्या निकलेगा वो अगली बात है। जब हमें लैम्डा की पावर n माइनस वन लेनी है तो हमें क्या करना है, n माइनस टर्म तो लेनी है लैम्डा वाली, और एक टर्म लेनी है ये वाली। तो हमारे पास क्या आएगा, पहली बात तो दिस ए 11 लैम्डा की पावर n माइनस वन, दिस ए 22 लैम्डा की पावर n माइनस वन, लाइक दैट। तो सम हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर n माइनस ये और ए 11 ए 12 22 और ए nn, इसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ओके, तो क्या निकाल लिया आपने बच्चों, देखो मैं दो पॉइंट फिर आपको रिवाइज करता हूं। आपने कहा ये जो पॉलिनोमियल बनेगी उसमें लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा भाई, ये बनेगा, मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं। और लैम्डा की पावर n माइनस वन का क्या बनाया आपने, ये बनाया। ये दो बातें हम कर चुके हैं। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कही थी, फिर बता रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट, दूसरा लैम्डा की पावर n माइनस वन, तीसरा कांस्टेंट। ये जो भी पॉलिनोमियल बनी, जो भी कोफिशिएंट किसका आया, लैम्डा की पावर n का आया, लैम्डा की पावर n माइनस वन का आया, लास्ट टर्म c को हमने कांस्टेंट कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस c, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, इफ वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो ये चीज बन जाएगी डिटर्मिनेंट। तो दिस कॉन्स्टेंट टर्म इज डिटर्मिनेंट। ओके, दिस इज अवर पॉइंट। अब बच्चों मैंने ये बताया, फिर ध्यान से बता रहा हूं, मैं इस पॉलिनोमियल की बात की है मैंने। अब ये एक पॉलिनोमियल बन गई, यदि इस पॉलिनोमियल को आप जीरो रख देते हो तो इसके जो रूट्स होते हैं उसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल द एन रूट्स, यानी कि एन आइगन वैल्यूज, वो होता है हमारा माइनस कोफी, देखो जो इक्वेशन बनेगी ना एन पावर बनेगी, माइनस ऑफ दिस बटे दिस, माइनस ऑफ दिस मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन ट्रेस ऑफ ए बटे में माइनस वन रेज टू पावर एन, वी गेट ट्रेस ए। तो सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकंड, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। यदि हमारी इक्वेशन इस टाइप की होती है तो जब आप यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें क्या आता है, आप बोलते हो माइनस डी बाई ए, माइनस नहीं होता, माइनस वन रेज टू पावर थ्री डी बाई ए होता है। तो इसी प्रकार यहां जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वन रेज टू द पावर एन, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी मैंने बताई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटे में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, मैं बताता हूं बच्चों आपको क्या फर्क है। ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो पॉलिनोमियल बनेगी और इसकी पॉलिनोमियल में थोड़ा सा फर्क है।
क्या फर्क है, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट फर्क, इसमें क्या कि इसकी हर टर्म को माइनस से गुणा कर दिया गया है। तो इसमें जो लेमडा की पावर एन का कोएफिशिएंट क्या बना था, ये बना था। अब इसको इसी से और गुणा कर दो, इस केस में क्या बनेगा, वो वन बनेगा। इसका कोएफिशिएंट क्या बना था जी, यहां बना था जी माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन ट्रेस ऑफ ए। अब यहां बनेगा जी माइनस वन की पावर टू एन माइनस वन ट्रेस ऑफ ए, यानी कि माइनस ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होनी है। और कॉन्स्टेंट टर्म का क्या हुआ, यहां पर आई थी जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां आएगी माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, किसी को फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाउ आई कम्स टू द वन इंपॉर्टेंट थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। यदि जीरो आइगन वैल्यू है, जीरो क्या है आइगन वैल्यू, तो वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अब हम करते हैं इसका कन्वर्स। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो दे रखा है, इससे हम ये लिख सकते हैं ए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दे रखा है, ए दे रखा था जीरो। ओके वेरी गुड। तो ए माइनस जीरो आई, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू जीरो इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, उसी का एक पार्ट और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। वन टू टू जीरो टू वन माइनस वन टू टू, ये एक मैट्रिक्स है। कल मैंने जो आइगन वेक्टर निकालने आपको बताए थे लेक्चर वन में, उसमें मैंने रिपीटेड रूट का जिक्र नहीं किया था, बट टूडे आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट रिपीटेड रूट। ओके चलो देखिए इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी। तो ए माइनस लैम्डा आई, वन माइनस लैम्डा टू टू जीरो टू वन माइनस वन, आइगन वैल्यू आप निकालनी सीख चुके हो, ठीक है। क्या निकलेंगी, मल्टीप्लाई करो भाई, फोर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस टू माइनस टू, ये जीरो प्लस वन प्लस टू, ये जीरो टू माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस टू, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस टू फोर माइनस टू लैम्डा। तो अल्टीमेटली वी गेट लैम्डा क्यूब फाइव लैम्डा स्क्वायर चार दो छः तो आठ माइनस आठ लैम्डा, ये कट गया प्लस फोर। अब हमें इसके रूट निकालने हैं, तो हम सिंप्लीफाई इक्वेशन इस तरह ले लेते हैं। मैं चेक करता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू वन
सेटिस्फाई करता है कि 1 - 5 + 8 - 4 यस सेटिस्फाई कर गया। सिंथेटिक डिवीजन लगाओ 1 - 5 - 8 और - 4 1 - 4 दैट इज -4 4 0 ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। इसके दो रूट 2 2 आएंगे, एक रूट 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 2 आ गया। बच्चों वंस के ऊपर तो आइगन वेक्टर निकालने का तरीका वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। अब इसके आइगन वेक्टर निकालने का मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर लैम्डा की जगह 2 रखो तो क्या आएगा, लैम्डा आपने 2 रखा है, फिर बोलो 2 रखोगे तो आएगा -1 - 2 - 2 - 0 - 0 2 रखा है ना, 1 - 1 - 2 - 0 x1 x2 x3 0 0 0। मैंने कहा इसका रैंक निकालना है, कैसे निकाले रैंक, पहले इसको घटा दो 0 0 घटाते ही आ जाएगा जी -2। अगले स्टेप में हम इसको डबल करके जोड़ देंगे, वी गेट दिस ओके। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था यदि आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई है, ठीक है, या तो एक बार भी चाहिए एक बार भी आई है तो इसका रैंक 3 नहीं आएगा, यानी कि n से कम आएगा, तभी तो हम इसको कहेंगे इसका क्या निकलेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो क्या निकलेगा -x1 2x2 + 2x3 = 0 और एक आ गया जी x3 = 0। तो यहां से नई इक्वेशन ये बन गई। आपने x2 को k मान लिया तो x1 आपका 2k आ गया, 2k k और 0 के आपने कॉमन ले लिया 2 1 0। तो ये आपका क्या आ गया आइगन वेक्टर। वैल्यू कितनी बार आई थी 2 बार, बट वेक्टर हमारा 2 बार नहीं आया, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपने खुद करना है, उसका जो वेक्टर है ये आएगा। लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन बताया था ये एक वेक्टर 2 के रिस्पेक्ट में निकाला आपने और ये किसके रिस्पेक्ट में 1 के, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं? यस दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इनका जो सेट होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट। नाउ वी डू वन मोर क्वेश्चन ओके, दैट सो दैट वी कंक्लूड द रिजल्ट्स। क्वेश्चन है हमारा एक मैट्रिक्स है ये, इसकी आइगन वैल्यू ये आएंगी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब मैं इस केस को डिस्कस कर रहा हूं केवल इससे आइगन वेक्टर निकालने, लैम्डा को क्या ले लिया मैंने -3। व्हाट हैपन विद दिस, क्या करोगे, आपको बताया गया है कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। यहां माइनस लैम्डा करना, उसमें -3 रख दिया तो यू गेट 2 1 2 - 3 2 4 - 6 - 1 - 2 3 x1 x2 x3 0 0 0। इसमें से डबल घटाओगे, इसको डायरेक्ट घटाओगे, यू गेट दिस थिंग। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, पिछले में इस चीज का रैंक 2 आया था तो फ्री वेरिएबल आपके पास 1 थे, एक फ्री वेरिएबल था तो आइगन वेक्टर भी 1 आया था। यहां पर रैंक अब इसका 1 आया है, फ्री वेरिएबल 2 है, फ्री वेरिएबल मतलब टोटल इसका जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है और माइनस रैंक, देयर आर टू फ्री वेरिएबल्स हियर, तो हम लिख रहे हैं x1 2x2 - 3x3 = 0। x2 को आपने मान लिया जी k1, x3 को मान लिया k2, वी गेट x1 = दिस।
तो ये आ गया जी x1 x2 और ये x3। k1 वाले कोफिशियंट को अलग कर लो माइनस टू वन जीरो, k2 वालों के कोफिशियंट अलग कर लो ये। तो दो आइगन वेक्टर आ गए जी। एक्चुअली क्या है, ये आइगन वेक्टर नहीं होते, ये इनकी फैमिली होती है, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में आया ये, माइनस थ्री के रिस्पेक्ट। यदि हम एक और बच गया, क्या था, फाइव था। यदि फाइव के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेशन करते तो हमें ये आंसर मिलता। तो टोटल मिल गए एक दो और तीन। अब ये देखो बच्चों, मैट्रिक्स तीन क्रॉस तीन की थी और आपको तीन आइगन वेक्टर मिल गए। पिछले में क्या था, मैट्रिक्स तीन क्रॉस तीन की थी परंतु आपको दो आइगन वेक्टर मिले थे, दोनों भी क्या थे, इंडिपेंडेंट, और ये तीनों भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। फिर इन दोनों केस में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। यदि मैट्रिक्स तीन क्रॉस तीन की है और यू कैन एबल टू फाइंड थ्री आइगन वेक्टर, ठीक है, ये तीन आइगन वेक्टर, इनको बोलते हैं थ्री इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तीनों इंडिपेंडेंट है, इट मींस योर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और ये नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। डायगोनलाइजेबल क्या होती है मैंने नहीं बताया, बट एक कंडीशन की बात बता रहा हूं कि यदि, फिर मैं बोल रहा हूं, यदि तीन वेक्टर निकलाए, यानी कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकलाए, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, अदरवाइज मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनलाइजेबल। ओके, वन लास्ट वर्ड इज दैट, कई बार आपसे लेटेंट वेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। अभी अभी आपने एक वेक्टर निकाला, ये लेटेंट वेक्टर का मतलब होता है इसको आपने यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वन प्लस फोर प्लस वन दिट इज रूट सिक्स, तो इसको रूट सिक्स से डिवाइड कर दीजिए बस, दिस इज योअर लेटेंट वेक्टर। तो विद दीज वर्ड्स वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।